लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे हाजीपुर लोकसभा सीट का संग्राम बढ़ता जा रहा है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर चाचा और भतीजे में महाभारत जारी है, जिसे जब मौका मिल रहा वह दूसरे को औकात बताने वाले अंदाज में चुनौती दे रहा है। हाजीपुर को लेकर एनडीए में चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच जंग रोचक दौर में पहुंच गई है। बात हाथ उठाने तक पहुंच गई है। अब चाचा भतीजे के रिश्तों की यह तल बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। भतीजे को गले लगाकर भी पशुपति पारस हाजीपुर के लिए अड़े हुए हैं, जबकि चिराग तो यहां तक कह चुके हैं कि एनडीए में आने से पहले उनकी बात हो गई है। ऐसे में चिराग पशुपति की लड़ाई पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तीखे होते जा रहे वाक युद्ध से स्पष्ट है कि दोनों ने हाजीपुर को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, कोई इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में किसकी होगी। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को मोदी शाह कैसे संभालेंगे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। इससे अभी पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, वो एनडीए के साथ भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी, जबकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। चिराग पासवान हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं। रामविलास पासवान के निधन होने के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हाजीपुर में पशुपति पारस ने जीत हासिल की थी। यही कारण है कि 2024 में होने वाले चुनाव में भी हाजीपुर सीट पर एक बार फिर पारस अपना दावा ठोक रहे हैं। इस बीच कई मौकों पर चिराग ने भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, वह यह सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके पिता चाहते थे कि वह वहां से चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, चाचा भतीजे की यह लड़ाई हाथ उठाने तक पहुँच गयी है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे अलावा कौन है जो चुनाव लड़ेगा। वहीं पशुपति पारस ने बिना नाम लिए भतीजे चिराग पासवान को मेंढक बताया था। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नदी नाले के मेंढक टर टर करने लगते हैं, चुनावी बरसात में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ होना जाना नहीं है। इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके पास अधिकार है, वह आने वाले समय में मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं है कि मैं उनको उलटकर जवाब भी दूं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे की लड़ाई को सुलझाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं सवाल यह भी है कि चाचा भतीजे में वोट किसके पास है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के साथ। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान अपने धड़े में अकेले सांसद रह गए हैं, लेकिन इस दौरान वो लगातार राज्य के दौरे पर रहे हैं और उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ भी देखी जाती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जमीन पर चिराग पासवान की ताकत ज्यादा दिखती है और इसलिए बीजेपी के लिए चिराग को साथ रखना ज्यादा जरूरी है। पशुपति पारस को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी पर जरूर अपना कब्जा जमाया, लेकिन रामविलास पासवान के कोर वोटर को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाए। कहा जाता है कि रामविलास पासवान की विरासत पूरी तरह से चिराग पासवान को शिफ्ट कर गई है। पशुपति पारस दावे कितने भी कर लें, लेकिन उनका समर्थन घटता जा रहा है। जो 6% के करीब पासवान वोटर हैं भी, वो अब चिराग के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर वो पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कर दे। हालांकि बीजेपी की कोशिश होगी कि दोनों को साथ रखा जाए, जिससे वोटों का बिखराव ना हो। बता दें कि बिहार के वैशाली जिले में स्थित हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। रामविलास पासवान 1977 से 2014 तक 8 बार जीत हासिल किए थे। वह 2009 में राम सुंदर दास से हार गए थे और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण 2019 में चुनावी दौड़ से बाहर हो गए थे। 9 बार के लोकसभा सांसद का हाजीपुर के लोगों के साथ एक विशेष बंधन था। हाजीपुर पासवान परिवार के लिए सिर्फ एक और सीट नहीं है,
या उनकी विरासत है जिसके लिए चिराग और पशुपति पारस लड़ रहे हैं। भाजपा को चाचा भतीजे के बीच शांति स्थापित करने में काफी पसीने छूट रहे हैं। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2.75 लाख मतदाता यादव जाति के हैं। यहां करीब 2.5 लाख पासवान और 2.5 लाख राजपूत जाति के वोटर हैं। इसके अलावा 1.5 लाख भूमियार, 1,25,000 कुशवाहा वोटर भी हैं, जबकि कुर्मी और ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1,25,000 है। वहीं रविदास जाति के करीब 80,000 वोटर हैं। वैश्य और बाकी जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।